हमारा स्लिंग का पॉइंट बना हुआ है और एक पॉइंट होता है हमारा लिव का। तो आप इन दोनों पॉइंट पे 15-15 मिनट की जो थेरेपी है वो दे सकते हैं। ये दोनों हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते हैं। जी मनाली जी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि आपने ट्रेनिंग सेशन अटेंड करा। और ये तो अभी कुछ भी नहीं था, मैंने बोला ना कि एक ये बहुत प्यारी दुनिया है कि जब जिसके अंदर आप एंटर करोगे तो आपको जानने का बहुत मौका मिलेगा, बहुत ज्यादा। मैं इवन आपको मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसे सिंगल डिसीज, जितनी भी डिसीज मैंने शुरुआत में आपको पिक्चर में दिखाई थी, एक ऐसे सिंगल डिसीज नहीं होगी जिसको हम कवर ना करें एक्वा लाइफ के अंदर। मतलब समझ लीजिए जितने भी डिसीज हैं ऑलमोस्ट हम एक्वा लाइफ के अंदर उन सभी को कवर कर सकते हैं। जैसे एक्यूप्रेशर के अंदर बोला जाता है कि हम इवन मैं आपको जो हमारे जो इलेक्ट्रो के जो मास्टर बिंदु होते हैं और जो हमारे 12 हो रहे पॉइंट होते हैं, इवन मैं आपको थोड़ा सा एक्वा लाइफ से एडवांस में सिखाऊंगा। जब हम ऑनलाइन सेशन करेंगे तो उसमें हम ऑनलाइन जो मतलब जो एडवांस का जो कोर्स है थोड़ा सा हाई ले जाएंगे हम, उसमें हम आपको एक्वा लाइफ के अलावा ट्रीटमेंट और कैसे अच्छे से करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक पॉइंट पे कितनी देर आपको करना है, एक पॉइंट पे आप सिर्फ सिंगल पॉइंट पे आप मैक्सिमम 15 मिनट से कर सकते हैं, 15 मिनट से ज्यादा नहीं ले जाना आपको। आप थोड़ा सा आराम से टाइप करें, मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं इस टाइम पे। अखिल राणा जी, अगर उनको दोनों पे हो रहा है, मतलब उनको रिलीफ मोड पे भी ज्यादा हो रहा है और उनको क्या हो रहा है कि जो डिटेंट मोड है उनको भी उन पे ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप एक चीज कर सकते हैं कि आप उनके जो हैंड है वो वॉश करवाएं और अच्छे से हाथ पोछे और फिर उनको आप सेंसेशन साउथ स्लैंग के हिसाब से सेट करें। अपने हिसाब से आपको सेट नहीं करना है, यहाँ के हिसाब से सेट करें तो देखिएगा कि उनको जो सेंसेशन है बहुत कम फील होगा। अभी जो हम वो तो हमारे जो फ्रेंचाइजी के ऑनर हैं, अभी आपका नाम नहीं आ रहा है जो 2B0E473 लिखा हुआ आ रहा है जी। आपने मेरी क्लास अटेंड करी है तो आपको पता ही होगा कि उसकी कितनी फीस थी। तो अभी ऑनलाइन के हम कितनी फीस रखने वाले हैं तो वो भी आपको जो भी मैसेज के द्वारा या जो भी अपडेट्स के द्वारा वो आपको बता दिया जाएगा। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्लास के बारे में अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी जो दिल्ली की फ्रेंचाइजी है आप उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी। जी जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी क्लास अटेंड करी है तो आपको पता ही होगा। जी नुशाज खान जी, नुशाज जी तो सबसे पहले तो अगर आपकी बॉडी में पेन है तो आपके पास एक्वालाइफ होनी चाहिए, अगर आपके पास एक्वालाइफ नहीं है तो आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले आप एक्वालाइफ लीजिए और एक्वालाइफ लेने के बाद फिर आप दिल्ली में रहते हैं, आप पर्सनली मेरे साथ से मिले तो हम आपको अच्छे तरह से ट्रीट करेंगे। जी मैं माफी चाहूंगा कि जिन लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, और क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं और बीच में सेशन ब्रेक भी हो गया था तो तकरीबन मैं बोलूँ तो 5 मिनट में क्वेश्चंस और ले लेता हूँ, आप मुझे भेज सकते हैं 5 मिनट और। जी जी कोमल बलवानी जी, जी सर ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, आपको अच्छा लगा और आप मुझे कह रहे हैं कि सर आपने रिजल्ट भी लिया है और आपको आराम भी मिला है। डेफिनेटली सर, एक्को लाइफ को बनाने में तकरीबन 16 साल लगे थे, आपको हैरानी होगी हमारी जो एक्को लाइफ है 16 साल में बनी है और इस 16 साल में बहुत सारे लोग हैं जिनका हाथ रहा है इस प्यारी खूबसूरत मशीन को बनाने के लिए। तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको 100% आएगा, लेकिन आप अगर तरीके से करेंगे तो। सुनीता देवी जी, प्लीज सर वेट लॉस का जरूर बताएं,
सुनीता जी, मैं आपको चाहूंगा कि इसके लिए आप मेरी क्लास अटेंड करें, तो उसमें मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि वेट लॉस के लिए आपको क्या करना है, और मैं आपको अपने जैसा बना दूंगा। आप मुझे देख पा रहे हो मैं कितना हेल्दी हूँ, आप मेरे जैसे आ जाऊंगा। गैलेक्सी गैलेक्सी M30, आप अपने नाम भी जरूर लिखे। कैंसर पेशेंट को यूज करा सकते हैं एक्वालाइफ, कैंसर पेशेंट जी। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सर प्लीज, अभी जैसे मैंने लिखा था कि कुछ ऐसे पेशेंट है जिनसे आप दूर रहें, मतलब जो कैंसर पेशेंट है, तो मैं जहाँ तक एडवाइस करता हूँ पर्सनली, आप उनको एक्वालाइफ ना दें। करमजीत बेदी जी पटियाला, तो सर मेरी जो क्लास है वो जूम पे ऑनलाइन ही लगेगी और हम जूम पे ही क्लास करेंगे। योगेश गोयल जी, सर थैंक यू सो मच। जी जियोमी रेडमी, बहुत लोगों को सेंसेशन नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो अब मैं बताना चाहूँगा जियोमी जी को कि अगर उनको सेंसेशन नहीं हो रहा है, तो आप जो सेंसेशन है वो बढ़ा के चेक करें, 2 पे करें, 5 पे करें, 10 पे करें, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप उनके हाथ अच्छे से साबुन से धुलवा दें 2-3 बार, और फिर दोबारा से एक बार ट्राई करें, उनको सेंसेशन ज़रूर होगा। और आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ कि जो हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जिनकी ये तकरीबन 60 साल, 65 या 70 साल होती है, तो शायद उनको एक्वालाइफ चेकअप करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनके जो बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन है तो थोड़ा सा स्लो होता है, जिस वजह से आपको चेकअप करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सुदेश सुरियान जी, सुदेश जी आपने क्लास अटेंड करी है, होप सो। अगर आप वही हैं तो मुझे फोटो नज़र नहीं आ रही है। मास्टर पॉइंट, तो सुदेश जी मास्टर पॉइंट के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं दोबारा से आपको जो पिक है मास्टर पॉइंट की, तो वो मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मास्टर पॉइंट नहीं पता है कि वो क्या होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको पर्सनली आप मुझे मैसेज करिएगा, तो मैं आपको दोबारा से वो सेंड कर दूंगा। जी सुनीता जी, इसके लिए आपको जो रुपेश सर है उनसे बात करनी पड़ेगी, डोंट वरी, अगर आपने फीस जमा करवाई है उससे चिंता ना करें आप, वो जैसी है वैसी रहेगी, उसके लिए आप रुपेश सर से बात कर लीजिए, जो भी चीज है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, डोंट वरी। जी देखिए, कैंसर का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है, आपको पता है कि कैंसर का इलाज, अभी आपको पता ही होगा कि क्या हालात है। अगर मैं तो बोलूँगा कि थोड़ा सा आप दूर रहें कैंसर वाले पेशेंट से। देखिए, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप किसी ऐसी चीज़ में ना फंसे कि कल आप पे कोई उंगली उठाए कि आपने ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, तो आप उस चीज़ से, जो चीज़ आपको अब श्योरिटी नहीं है जिस चीज़ के बारे में, आप प्लीज़ उसके बारे में ना करें। मेरे पास पर मिनट के हिसाब से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, और मेरे पास जी नी पॉइंट के लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे। वैसे मैंने मैंने ना एक अपना एक ग्रुप बना रखा है, जो लोग मेरे से ट्रेन हो चुके हैं, सिर्फ स्पेशली एक्वालाइफ ग्रुप है, तो अगर उनको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। तो अभी जैसे नी जॉइंट्स की बहुत ज़्यादा समस्या है, इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा सुदेश साहब, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। जी परितोष रप्तन जी, ये ब्लैक पॉइंट और ये सर्कल्स जो होते हैं, इसलिए आपको मेरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, तब जाके मैं आपको बता पाऊंगा कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क होता है। ऐसे आपको शायद आज के सेशन में तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ। देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और अगर मैं लूँगा तो शायद मुझे 5 बज जाएंगे, और
अभी तो हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। माफी चाहूंगा कि मैं जिनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, कोशिश करिए कि मैं जितने ज्यादा लोगों को रिप्लाई कर सकूँ, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ मैं बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। तो उसके लिए आप अपने जो क्वेश्चन है वो डायरी में लिख के चले। दीपक कुमार जी, अगर डॉक्टर्स बोल रहे हैं तो आप हमारी जो जिंद में है वो चालू कर सकते हैं और हमारी जो एक्वालाइफ से पेंक्रियास पे, शुगर पे और डायबिटीज पे आप उस पर एक्वालाइफ भी चालू कर सकते हैं। डोंट वरी, घबराए ना आप। सो होपफुली आज आपका जो सेशन है, आपको जो सेशन है वो बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे जो बाद में जो क्वेरी है वो कर सकते हैं। आज ही के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन मैं ले पाऊँगा क्योंकि क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हो रहे हैं मेरे पास। क्वेश्चंस ऊपर बहुत सारे जो क्वेश्चंस है मेरे पास मिस रह गए हैं और बहुत सारे हैं, बहुत सारे जिनको मैं देख भी नहीं पाया हूँ, जिनके ऊपर मेरे पास नज़र गई तो मैं उनके मैंने वहाँ तक कोशिश करी कि मैंने उनको रिप्लाई दे पाया। सो जी मैं चाहूँगा कि आप अपने क्वेश्चन लिखे और मेरे से पर्सनली आप पूछ सकते हैं उसके लिए जब भी हम सेशन करेंगे। बिल्कुल भी एक्वा लाइफ को लेकर आप घबराएं ना, एक छोटा डाउट भी हम आपको एक्वालाइफ के अंदर नहीं छोड़ेंगे। सो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले क्यांस को, मिस्टर लेजनियान को और इस सिस्टम को जिस सिस्टम के जरिए मैं आपसे जुड़ा, रुपेश सर को और हमारे जो सीनियर हैं मिस्टर एस एस गुप्ता सर जो गोल्ड लाइन है डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके अलावा जो किरण मैम है जो सिल्वर लाइन डिस्ट्रीब्यूटर हैं टीआरसी के अंदर, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज शायद उनकी कोशिश की वजह से मैं आपके सामने यहाँ पे लाइव आ पाया हूँ। क्योंकि ऑफलाइन ट्रेनिंग मैं करता हूँ और सभी जानते होंगे जो लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं, लेकिन आज इस सिस्टम के जरिए से और इन लोगों की वजह से मैं यहाँ पे आज आपके सामने आ पाया हूँ। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी हैं, कवर करी है, बहुत सारी चीज़ें एक सेशन में कवर करना बहुत मुश्किल से। सो मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही मेरे साथ बीच बीच में कनेक्ट होते रहे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप मेरे साथ जुड़े। सो थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है सर, वेट लॉस। सर पता क्या हुआ, थैंक यू वेरी मच नासिर जी, आपने बहुत बढ़िया एक इंट्रोडक्टरी सेशन आज हमारे जूम के जितने भी गेस्ट थे उन सबको दिया। और मैं ये चाहूँगा कि हम जल्दी ही एक ट्रेनिंग डिज़ाइन करें जो लोग सीरियसली एक्वालाइफ को लेना चाह रहे हैं और अच्छे से इसको समझना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो हम लोग उनके लिए एक ट्रेनिंग सेशन डिज़ाइन करेंगे जो एक एक घंटे का सेशन रहेगा, लेकिन उनमें सेवन क्लासेस रहेंगी। तो वो सेवन क्लासेस का सेशन हम आप सब लोगों के लिए रखेंगे, उसका कुछ छोटा सा फीस भी होगा और वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जो भी लोग इस सेशन को अटेंड करना चाहेंगे तो उनको थोरो नॉलेज प्रॉपर एक एक डिजीज के साथ उनको इसके बारे में मिल जाएगी। तो आप लोग चैट में मैसेज लिख सकते हैं कि जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं और हम उन लोगों को कॉन्टेक्ट करके उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि ये हमारे सेशन कब शुरू हो रहे हैं। तो हम डेली सेशन रखेंगे ये, और एक घंटे का सेशन रहेगा, तो विद इन 7 डेज आप एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे एक्वालाइफ के अंदर। तो आपके कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आज हमारा एक बहुत ही ग्रैंड ओपीपी सेशन होने जा रहा है जो 2 बजे शुरू होगा। ऑल ओवर इंडिया से लोग उसमें जुड़ने वाले हैं, तो आप लोग भी 2 बजे तक अपना लंच वगैरह कर लीजिए और बिल्कुल अपने आप को फ्री कर लीजिए। और आज का सेशन जो है वो बहुत ही बूमिंग सेशन होने वाला है, लेकिन उसके लिए जो जूम आईडी है वो अलग है। आपने अगर आपको रोस्टर मिला होगा तो उसमें आप जूम आईडी देख लीजिएगा, वही जूम आईडी आप डालिएगा तो आपका कनेक्ट हो जाएगा हम सब लोगों के साथ। तो आप लोग हमारे साथ इतनी देर तक बने रहे, थैंक यू वेरी मच। यही बात हमें कॉन्फिडेंस देती है कि हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच।